हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम राहुल भटनागर, होप यू आर इन गुड हेल्थ। आज के इस वीडियो में हम एक फाइनल अकाउंट की कंप्लीट इलस्ट्रेशंस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में स्टूडेंट्स, हमने जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, हमने डेप्रिसिएशंस तक इनके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को, इनके कंसेप्ट को, बेस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहला वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि उसके ऊपर ही बेस आज ये इलस्ट्रेशंस होगी। इसके आगे की जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, जो बैड डेट्स हैं या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं 11 नंबर तक, मैनेजर्स कमीशन तक, उस इनका जिक्र अभी इस इलस्ट्रेशन में नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसके बारे में भी आपको नहीं बताया। तो आज हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं जिसमें अप टू डेप्रिसिएशन तक की एडजस्टमेंट एंट्रीज होंगी। ये इलस्ट्रेशन है स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, टी एस गरेवाल की बुक से है, पेज नंबर है 19.16। अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको देख लीजिए। और अगर नहीं है ये बुक, तो मैं एक स्क्रीनशॉट इस पूरी इलस्ट्रेशंस का आपके वीडियो पे लगाऊंगा, आप उसको बहुत आराम से समझ पाओगे, पढ़ पाओगे। तो मैं अभी इलस्ट्रेशन पढ़ता हूँ, धीरे धीरे पढ़ूंगा। इलस्ट्रेशंस कुछ इस तरह से है। Following trial balance as at 31st March 2018 as drawn from the books of Dilip Kumar, a trader. एक ट्रेडर की ट्रायल बैलेंस है और ट्रायल बैलेंस ये टैली है। अब हमने करना क्या है इसको देख लेते हैं। Taking into consideration the following adjustment, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2018 and a balance sheet as at that date. Also pass journal entries for the adjustments. स्टूडेंट्स, इसमें जनरल एंट्रीज भी पास करनी है हमें, और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट एंट्रीज कुछ इस तरह से है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 9 लाख रुपीज़, सेकेंड दिया हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरीज 32,000 और वेजेज है 20,000। इनके लिए स्टूडेंट्स आसान तरीका ये होता है कि जो भी हमारे एक्सपेंसिस में हमें दिया हुआ है उसको हम टिक लगा दें और हम उन एक्सपेंसिस को या एसेट्स आइटम को हम इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट करनी है। ट्रायल बैलेंस में स्टूडेंट सैलरीज 3,20,000 दिया हुआ है, इसके आगे हम टिक लगा देते हैं कि इसमें एडजस्टमेंट एंट्री है। और वेजेस दिया हुआ है 2 लाख दिया हुआ है, ऊपर से थर्ड एंट्री आप देखेंगे, इसके आगे भी हम टिक लगा लेते हैं और आगे चलते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस 9,000 रुपीज़, इंश्योरेंस दिया हुआ हमें ट्रायल बैलेंस में 2,20,000 का, इसके ऊपर भी हम टिक लगा लेते हैं। और एक्रूड कमीशन 12,000 रुपीज़, कमीशन दिया हुआ है 38,000 रुपीज़, क्रेडिट में ट्रायल बैलेंस में नीचे से आपको थर्ड एंट्री मिलेगी, उस पर भी हमने टिक लगा दिया। एक्रूड कमीशंस आर सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ CGST एंड SGST 6%। यहाँ देखिएगा, इसको अच्छे से समझेंगे इसको जब हम करेंगे। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन है 10%। तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ देखिए 21,20,000, ट्रायल बैलेंस में हमने यहाँ पे भी टिक लगा लिया है, हम इसको इनर साइड में लिखेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं एंट्रीज को पोस्ट करना। जैसे जैसे जो जो एंट्री आती रहेगी हम उसको पोस्ट करते रहेंगे। इसमें एक चीज़ और आपसे पूछा हुआ स्टूडेंट्स, पास जनरल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट, यानी कि जो जो एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको दी गई है उसकी जनरल एंट्री पास करनी है। स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको ये बेसिक कंसेप्ट बताए थे, आपको एक एक जनरल एंट्रीज बताई थी किस तरह से करनी है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी और आपको ये एंट्रीज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम तरफ से एंट्रीज को पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली जो एंट्री दी हुई है ट्रायल बैलेंस में, वो कैश इन हैंड दिया हुआ है 80,000 और कैश एट बैंक 1,20,000। ये कहाँ आएगा, हमारा बैलेंस शीट के करंट एसेट्स हैं। कैश इन हैंड स्टूडेंट्स, स्पेस की बहुत कमी है, थोड़ा सा बियर करिएगा मेरे साथ में। कैश एट बैंक 80,000 और 1,20,000, ठीक है। और आगे जाते हैं, वेजेस दिया हुआ 2,00,000 रुपीज़। वेजेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास, 2 ओपनिंग स्टॉक आता है सबसे पहले, 2 purchases और 2 wages। मैंने जगह छोड़ दी है purchases के नीचे, हो सकता है purchase return होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो wages दिया हुआ है हमें 2,00,000 रुपीज़,
लेकिन इस पे हमने स्टार लगाया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्री है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, इनर साइड में लिख देते हैं 2 लाख रुपीज। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल्स दिया हुआ है 50 लाख रुपीज, सेल्स हमारी आ जाएगी बाय सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में आ गई सेल्स 50 लाख रुपीज। नेक्स्ट इज मशीनरी 21,20,000। मशीनरी में भी हमने स्टार लगाया हुआ है, मशीनरी अकाउंट हमारा एसेट्स अकाउंट है, मशीनरी 21,20,000 हमने इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि इस पे स्टार लगा हुआ है, डेप्रिसिएशन होगा वो हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल 4 लाख रुपीज। बिल्स रिसीवेबल अगेन हमारा बैलेंस शीट आइटम है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल 4 लाख रुपीज। मैंने शॉर्ट में लिखा है स्टूडेंट्स, आपने शॉर्ट में नहीं लिखना, पूरा पूरा लिखना है बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक 8,40,000। ओपनिंग स्टॉक का हमने लिखा हुआ ऑलरेडी 8,40,000 यहाँ पे डाल दीजिए। फिर आता है क्रेडिटर्स 4 लाख रुपीज। क्रेडिटर्स हमारी करंट लाइबिलिटी है, तो हम क्रेडिटर्स यहाँ लिख देते हैं 4 लाख रुपीज। ऊपर की जो स्पेस हमने छोड़ा हुआ है कैपिटल के लिए और नेट प्रॉफिट के लिए। चलिए आगे चलते हैं। परचेजेस है 33 लैक्स। परचेजेस हमारी 33 लैक्स की हैं ये। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न 60,000। अब सेल्स रिटर्न हमें यहाँ सेल्स में से उसको माइनस करना है, बल्कि 50 लाख रुपीज हमें इनर साइड में दिखाना चाहिए था। 50 लाख माइनस में सेल्स रिटर्न 60,000, ये आ जाएगा 49,640,000। हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है, और आगे चलें। नेक्स्ट इज सैलरीज है 3,20,000। सैलरीज हमारा पी एंड एल अकाउंट का आइटम है, सैलरीज 3,20,000 हमने इनसाइड में लिखा है क्योंकि हमने इसमें स्टार लगाया था। और आगे चलते हैं। डेटर्स है 8,60,000। डेटर्स हमारे बैलेंस शीट आइटम हो गया 8,60,000। चलिए और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे हमने स्टार लगाया हुआ है, इंश्योरेंस दिया हुआ है 2,20,000 एज एन एक्सपेंस, तो हम इंश्योरेंस को भी यहाँ पे लिख देते हैं 2,20,000। इनर साइड में लिखेंगे क्योंकि हमने इस पे स्टार लगाया हुआ है। बैड डेट्स दिया हुआ है 60,000 रुपीज़। हमारा बैड डेट्स भी हमारा पी एंड एल का आइटम है, बैड डेट्स 60,000। नेक्स्ट इज फ्रेट ऑन फर्नीचर, ये ट्रेडिंग अकाउंट का हमारा पार्ट है, फ्रेट लगा है परचेजेस के ऊपर, तो आप इसमें ऐड कर दीजिए यहाँ पे 2 फ्रेट 48,000 रुपीज। और आगे चलते हैं। कैपिटल दी हुई है 32 लाख रुपीज। कैपिटल हमारी इनर कॉलम में लिखेंगे 32 लाख, क्योंकि अभी इसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करेंगे और ड्राइंग्स नेट लेस करेंगे इन केस अगर ड्राइंग्स है तो। कमीशंस 38,000। कमीशन स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, इसमें ये हमारा रिवेन्यू आइटम्स है, रिवेन्यू आइटम्स को हम पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं, और हमने इस पर स्टार भी लगाया हुआ है, तो इसका मतलब कमीशन पे हमें इनर साइड में लिखना पड़ेगा पी एंड एल अकाउंट के, बाय कमीशन 38,000 रुपीज़। ठीक है, इससे ऊपर हम लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, वो जो भी यहाँ से बैलेंस आएगा उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। आगे चलते हैं। इनपुट CGST और इनपुट SGST, ये भी स्टूडेंट्स इस पर स्टार लगाया हुआ है, 5,000 रुपये दिए हुए हैं। इनपुट है तो हमारा एसेट्स आइटम है, बैलेंस शीट्स में आएगा, लेकिन हम इसको इनर साइड में लिखेंगे इनपुट CGST 5,000 रुपीज़।
और इनपुट SGST। फाइव थाउजेंड दोनों को हमने इनर कॉलम में लिखना है। चलिए हमारी सारी एंट्रीज पूरी हो चुकी हैं, अब हम एडजस्टमेंट एंट्रीज की तरफ आते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक, 9 लाख रुपीज़ की है। क्लोजिंग स्टॉक्स हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है और हम इसे कैरिट साइड में लिख देंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक 9 लाख रुपीज़। और कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स ये, और हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट्स का में आएगा, एसेट्स पार्ट है क्लोजिंग स्टॉक 9 लाख रुपीज़। चलिए और आगे चलते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 32,000। सैलरीज में आउटस्टैंडिंग है तो इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 32,000, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 3,52,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी भी है तो हम इसको बैलेंस शीट्स में लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज करके कितना अमाउंट आया है 32,000। चलिए आगे चलते हैं, वेजेस भी आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हैं 20,000। वेजेस स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसमें आप ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000 और हमारी टोटल वेजेस हो जाएगा 2,20,000। और आउटस्टैंडिंग वेजेस फिर से हम जाएगा हमारा बैलेंस शीट्स में लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट सैलरीज एंड वेजेस आर नॉट सब्जेक्ट टू GST, तो इसका मतलब इनके ऊपर GST नहीं लगा है। आगे चलते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस 9,000 रुपीज़। इसका मतलब हमने जो आगे आने वाले साल का इंश्योरेंस था उसका कुछ पार्ट हमने अभी दे दिया है और वो है 9,000 रुपीज़। ये जो इंश्योरेंस हमने P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया हुआ खर्चा, इसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस होगा क्योंकि वो आने वाले साल के लिए है, तो हम इसमें से 9,000 रुपीज़ माइनस कर देते हैं तो ये बैलेंस बच जाएगा 2,11,000। यस, माइनस में प्रीपेड, ठीक है। अभी हमने इसकी एक एंट्री करी है, अभी दूसरी साइड क्या एंट्री होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट्स होती है तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है ये 9,000 रुपीज़। चलिए और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एक्रूड कमीशन 12,000 रुपीज़। और एक और आगे लाइन लिखी हुई है, एक्रूड कमीशंस आर सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 12.6%। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इस एंट्री को हमने जो यहाँ P&L अकाउंट में कमीशंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कमीशंस पूरा नहीं है, हमने कुछ और भी हमें अर्न किया है वो हमने अभी मिला नहीं है, तो हमको कितना लेना है, हमें अभी 12,000 रुपीज़ और लेना है और इस कमीशंस के साथ में हम चार्ज करेंगे CGST और SGST भी, तो हमने CGST और SGST हम चार्ज करेंगे 6% के हिसाब से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 720। और जब हम कलेक्ट कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो हम इसको क्या लिखते हैं, आउटपुट, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST 720। तो टोटल हमें कितना कलेक्ट करना है अभी कमीशन, 13,440 रुपीज़। अब इसकी कैसे एंट्री होगी आप इसको देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, P&L अकाउंट में हम CGST SGST पार्ट को नहीं दिखाएंगे, हमने सिर्फ से बेस अमाउंट को दिखाना है, हम यहाँ लिख देंगे ऐड करके एक्रूड 12,000 रुपीज़, ये हो जाएगा 50,000 रुपीज़। अब देखिए CGST और SGST को कहाँ दिखाएंगे, ये आउटपुट को आपको पता है हम बैलेंस शीट्स में दिखाएंगे माइनस करके इनपुट के साथ, हमने यहाँ इनपुट CGST को इनर कॉलम में लिखा हुआ है, इनपुट SGST को भी इनर कॉलम में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए आउटपुट को कितना है 720 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 4,280। इसी तरह आप SGST में से भी आउटपुट माइनस कर दीजिए 720 रुपीज़, ये भी आ जाएगा 4,280।
जीएसटी के पार्ट को हम पीएनएल अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाते, हम उसको बैलेंस शीट में ही एडजस्ट करते हैं। अब हमारी एक्रूड जो कमीशंस है हमारा कितना हो गया, 13,440। ये हमारा एसेट्स भी तो बना हुआ है, तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए, एसेट्स में एक्रूड कमीशन 13,440 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ गया है? बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसमें गलती मत कर देना। यहाँ पे सिर्फ से बेस अमाउंट दिखाना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी को यहाँ एडजस्ट करना है, और जो टोटल अमाउंट है एक्रूड कमीशंस का विद जीएसटी 13,440 एसेट्स में दिखाना है। चलिए लास्ट ट्रांजैक्शंस है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% पर एनम। मशीनरी जो हमने ये दिखाई हुई है इसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 10% डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, माइनस कर देंगे इसमें से, डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2,12,000। तो हमारी मशीन की अब नेट वैल्यू कितनी रह गई, 19,08,000। और डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस आइटम है, तो हम यहाँ पे भी दिखा देते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना हमने कैलकुलेट किया, 2,12,000। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? हमारी अब सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हमने कर ली और हमने दूसरी एंट्रीज को भी सबको एंटर कर दिया। अब हमने सिर्फ से बैलेंसिंग निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है और बैलेंस शीट टैली करनी है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 58,40,000। दोनों साइड में लिख लीजिए आप 58,40,000। ठीक है, आप 58,40,000 में से अभी देखिए हमने परचेजेस को इनर साइड में लिखा हुआ है कि परचेज रिटर्न होगा, लेकिन परचेज रिटर्न नहीं था तो हम परचेजेस को भी हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं। अब आप 58,40,000 में से इन सब आइटम्स को माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 14,32,000 ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 14,32,000। ठीक है, अब हम नेट प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं, इसका टोटल कर लीजिए, ये टोटल आ गया 14,82,000 और दोनों साइड लिख देते हैं हम 14,82,000। और इस फिगर में से हम इन सबको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है 6,47,000। नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारी कैपिटल में, ऐड हो जाएगा, अगर लॉस हुआ था तो वो लेस हो जाता, तो ऐड नेट प्रॉफिट ये आ गया 6,47,000। तो अब टोटल हमारी कैपिटल हो गई 38,47,000। ठीक है, अब सिंपली इसको टोटल कर लीजिए और इन दोनों का टोटल आपको मैच करेगा और ये बैलेंस आ रहा है हमारे पास 42,99,000 42,99,000। आप इसको कैलकुलेटर पे एक दफ़ा कैलकुलेट कर लेना, यही आना चाहिए 42,99,000। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आज की इस इलस्ट्रेशंस में हमने अप टू डेप्रिसिएशंस, ये जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, यहाँ तक की एडजस्टमेंट एंट्रीज के ऊपर हमने ये क्वेश्चन किया है। इसके बाद हम अभी कल जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और इन सब को, मैनेजर्स कमीशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब का पहले बेस समझेंगे और उसके बाद इनके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसकी और प्रैक्टिस कर लीजिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और हाँ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।